Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. In previous lecture, we have discussed prime factorization method to solve square roots of any number. ठीक है? आज के लेक्चर में हम division method से square roots को सॉल्व करेंगे. Division method से square roots को सॉल्व करने के लिए आपने इन 5 steps को mind में रखना है. जिसमें देखिए, first step is make pairs of the digit from right to left. आपने right to left pairing करनी है. If the number of the digits is even, we have complete pairs. If the number of digit is odd, the last digit on the extreme left remains single. ठीक है? What does it mean? For example, we have numbers. ठीक है? आप उन numbers को यहाँ consider करें. 3, 4, 6, 6 और 6, 5, 7, 8, 9. अब देखिए, इनमें ना आपने pairing करनी है from right to left. पेयरिंग का मतलब होता है दो दो नंबर्स को कंबाइन करना. तो 66 कंबाइन करेंगे, 46 को कंबाइन करें तो 3 एज इट इज बच रहा है आपके पास. ठीक है? फिर 9, 9, 8, 9 और 5, 6. तो आपके पास ये जो फर्स्ट पॉइंट है, अब क्लियर होगा कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स ऑड हो, यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स 5 है और यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स 6 है. मतलब जब नंबर ऑफ डिजिट्स ऑड होंगे तो लास्ट डिजिट will remain single. और अगर आपके पास number of digits even होंगे तो आपके पास complete pairing हो रही होगी. For example, हम एक number लेते हैं 625 और इसका square root find करते हैं. Square root solve करने के लिए पहला तो ये है कि आपने pairing करनी है, तो आप यहाँ पे 625 की pairing करेंगे तो pairing में आपके पास 25 and 6 आएगा. अब आपने ना first pair को solve करना है. First pair को solve करने के लिए method ये है कि आपने कोई ऐसा number यहाँ पे लेना है जिसका स्केयर आपके पास या तो 6 की इक्वल आए या 6 से लेस आए. यहाँ पे देखें, 1, 1 जा 1, 2, 2 जा 4, 3, 3 जा 9. अब देखें, इन सब में 1, 4, 9 में से 6 के करीब कौन सी वैल्यू आ रही है? 4. तो मतलब आप 2, 2 जा 4 लेंगे. तो डिवीजन मेथड में हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पे ये जो डिवाइजर लेना है और कोशेंट लेना है, इन दोनों को सेम होना चाहिए. तो मतलब 2, 2 जा 4, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, आंसर आपके पास 2 आएगा. अब आपने देखिए, 2 जो डिविडेंड आ गया वो लेस आ गया आपके पास. तो नेक्स्ट पेयर को हमेशा नेक्स्ट स्टेप में आप नेक्स्ट पेयर को नीचे लेके आएंगे. तो मतलब 25 को नीचे लेके आए. जब आप 25 को नीचे लेके आएंगे तो 225 डिविडेंड आपके पास बन रहा. अब इस डिविडेंड के लिए यहाँ पे हमें डिवाइजर चाहिए. तो डिवाइजर के लिए मेथड ये होता है कि डबल ऑफ द कोशेंट आपने लेना होता है. लेकिन डबल ऑफ द कोशेंट भी ले सकते हैं. इन अदर वर्ड्स, आप ये भी कह सकते हैं कि इस 2 में 2 को एड करें, आंसर क्या आएगा? 4 आएगा. तो अब इससे नेक्स्ट नंबर आपने खुद कंसिडर करना होगा. तो यहाँ पे सेम वही मेथड है कि आपने 4 से नेक्स्ट पहले 1 लेके देखें. और अगर यहाँ पे 1 लिख रहे हैं ना, तो कोशेंट में भी क्या आना चाहिए? 1 ही आना चाहिए. मतलब डिवाइजर में कि जो टेंस प्लेस पे नंबर आ रहा है और जो कोशेंट में हमने लिखना है, उन दोनों को सेम होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, आप 41 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर आपके पास क्या आएगा? 41. 42 को 2 से करें, 43 को 3 से करें, 44 को 4 से करें, फिर 45 को 5 से मल्टीप्लाई करें, तो लास्ट पे 45 को 5 से मल्टीप्लाई करने से आपके पास 225 आंसर आएगा. दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, आंसर विल बी 0. अब देखें, आपने यहाँ पे भी देखा कि जो आपने 2 नंबर लिखा था और जो क्वेश्चन में नंबर लिखा था, वो दोनों सेम थे. और 5 जो यहाँ पे नंबर लिखा है, मतलब जो लास्ट डिजिट है, आपने हमेशा उसको देखना होगा. और जो क्वेश्चन में नेक्स्ट आपने नंबर लिखा, वो दोनों सेम थे. तो आपने इन स्टेप्स को फॉलो करके नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं. 1, 3, 6, 8, 9 आपके पास गिवन है. तो सबसे पहला स्टेप आपके पास क्या होता है कि आपने जो नंबर लिया है उसकी पेयरिंग करनी है. तो पेयरिंग के लिए फ्रॉम राइट टू लेफ्ट आप पेयरिंग करें. तो क्योंकि ये ऑड नंबर है, ऑड की वजह से आपके पास लास्ट डिजिट है वो सिंगल ही आएगा. अब आपने इसको सॉल्व करने, अब पहले पेयर को सॉल्व करना है ना. पहले पेयर को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे देखें, 1, 1 जा 1, 2, 2 जा 4, 3, 3 जा 9. तो आप इन में से कौन सा नंबर लेंगे? 1, 1 जा 1, क्योंकि 2, 2 जा 4 लेने से आपके पास 1 से ग्रेटर वैल्यू आ रही है. तो आप 1, 1 जा 1 लेंगे. ठीक है? आंसर दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, आंसर विल बी 0. अब आपने क्या करना है? नेक्स्ट पेयर को नीचे लेके आना है. नेक्स्ट पेयर 36 है, नीचे लेके आए. अब आपने इस 36 को सॉल्व करना है. तो इस 36 के लिए यहाँ पे डिवाइजर चाहिए. डिवाइजर के लिए हमेशा याद रखें, ये जो डिवाइजर पिछला है ना, आपने इसमें 1 में 1 ऐड करेंगे, आंसर क्या आएगा? 2 आएगा. अब 2 से नेक्स्ट डिजिट आपने खुद देखना होगा. आप
यहाँ पे 21 को 1 से करें, देखिए इस 2 से नेक्स्ट मैंने पहले 1 लिखा यहाँ पे, फिर 2 से नेक्स्ट यहाँ पे 2 लिखा, मतलब 21 को 1 से मल्टीप्लाई करें आंसर विल बी 21, 22 को 2 से करें आंसर क्या आएगा 44 आ रहा है, 44 36 से बड़ा है इस वजह से आप यहाँ पे क्या लेंगे 1 लेंगे, मतलब आपने 21 को 1 से मल्टीप्लाई करना है आंसर 21 आएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करें 15 आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में अगेन जो नेक्स्ट पेयर है उसको नीचे लेके आएंगे, जब आप इस पेयर को नीचे लाएंगे तो 1589 आ रहा है नंबर, 1589 को अब आपने एज अ डिविडेंड लेना है, तो यहाँ पे नेक्स्ट डिवाइजर चाहिए। नेक्स्ट डिवाइजर के लिए हमेशा याद रखें जो पिछला डिवाइजर है ना उसमें लास्ट डिजिट को देखा करें, लास्ट डिजिट यहाँ पे 1 है ना, तो 1 अगेन इस 21 में 1 को ही ऐड करें, मतलब उसी डिजिट को आपने हमेशा ऐड करना होगा जो लास्ट डिजिट आ रहा है, तो यहाँ पे 1 आ रहा है तो 1 में मतलब इस 21 में 1 को ऐड करें आंसर विल बी 22। अब देखिए 22 से नेक्स्ट यहाँ कोई ऐसा नंबर लेना है जो यहाँ और क्वेश्चन में सेम हम लिख सकें। ठीक है, तो आप क्या करेंगे 22 से नेक्स्ट 20 मतलब 1 से लेंगे 2 3 4, आप इसी तरह मल्टीप्लीकेशन रफ वर्क में चेक कर सकते हैं, जब आप 225 को 5 से करेंगे ये आंसर आ रहा है, ये भी 1589 के करीब नहीं है, मतलब बहुत लेस है, फिर 226 को आप 6 से मल्टीप्लाई करें, फिर 227 को 7 से करें, जब आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 1589 कंप्लीट आंसर आ रहा है, तो मतलब आप 227 को 7 से मल्टीप्लाई करें 1589 आंसर आ रहा है, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करें आंसर क्या आएगा 0 आएगा, 0 जब भी आपके पास आंसर आ जाए मतलब रिमाइंडर 0 आ जाए तो आप लास्ट पे लिखेंगे हेंस 13689 का जो स्क्वायर रूट आ रहा है वो आपके पास 117 है, मतलब जो भी क्वेश्चन आपके पास आ रहा होता है वही हमारा आंसर होता है। सी नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें आपके पास 10 30 41 नंबर गिवन है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे इस नंबर का स्क्वायर रूट लेने के लिए सबसे पहले आपने पेयरिंग करनी होगी, पेयरिंग के लिए सेम वही मेथड होगा कि आपने फ्रॉम राइट टू लेफ्ट आपने पेयरिंग करनी है और फर्स्ट पेयर को सॉल्व करना होगा, फर्स्ट पेयर 10 आ रहा है, अब देखिए कोई ऐसे नंबर्स लेने हैं इसमें से मतलब सेम नंबर्स को इस तरह मल्टीप्लाई करना है कि 10 से लेस या 10 के इक्वल आंसर आए, देखिए 1 1 1, 2 2 4, 3 3 9, 4 4 16, 4 से करेंगे तो वो 16 आ रहा है, वो ग्रेटर है 10 से, इस वजह से आपने 9 को लेना होगा, मतलब 3 3 9, तो जो भी यहाँ पे नंबर है डिवाइजर और जो क्वेश्चन है वो दोनों सेम होने चाहिए ना, तो 3 3 9 दोनों को सब्ट्रैक्ट करें आंसर इज 1। अब आपने नेक्स्ट पेयर को नीचे लेके आना है, 30 को नीचे लेके आए 130 आएगा, फिर ये हो गया आपके पास डिविडेंड, लेकिन आपने यहाँ पे डिवाइजर लेना है, डिवाइजर मैंने आपको क्या कहा था जो भी यहाँ पे नंबर गिवन है उसमें सेम नंबर आपने ऐड करना है। ठीक है, आंसर क्या आएगा 6 आएगा, अब 6 से नेक्स्ट नंबर हमने खुद कंसिडर करना होगा, तो आप यहाँ रफ वर्क में 61 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 62 को 2 से करें, 63 को 3 से करें, हमेशा याद रखें इस 6 से नेक्स्ट 1 2 3 आपने खुद लेके देखना होगा। ठीक है, आप इनकी रफ वर्क में मल्टीप्लीकेशन करें तो 61 1 61, 62 2 124, 63 3 189, तो देखिए 189 इज ग्रेटर देन 130, इस वजह से आप 62 2 124 को सिलेक्ट करेंगे, तो 62 2 124 दोनों को सब्ट्रैक्ट करें आंसर विल बी 6। ठीक है ना, यहाँ पे देखें 0 है ना तो 10 कैरी लेंगे, 10 माइनस 4 इज 6, यहाँ पे 2 बचेगा, 2 माइनस 2 इज 0, 1 माइनस 1 इज 0, तो इसमें अब 6 से नेक्स्ट जो आपके पास पेयर है उसको भी नीचे लेके आए तो 641 आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे डिवाइजर आपने खुद देखना है, तो डिवाइजर क्या होना चाहिए, या तो आप ये कहें कि क्वेश्चन का डबल क्या होगा 64, इन अदर वर्ड्स आपने जो मेथड फर्स्ट क्वेश्चन में अप्लाई किया उसी मेथड से देखें, तो हमने क्या कहा था कि जो लास्ट डिजिट आ रहा होता है वही आपने इस डिवाइजर में ऐड करना होता है, तो 62 में 2 ऐड करें आंसर विल बी 64। तो अब आप क्या करेंगे 64 से नेक्स्ट आपने खुद देखना होगा क्या लें, तो यहाँ पे देखिए सामने नजर आ रहा है कि 641 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 641 आएगा, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करने से इससे ग्रेटर वैल्यू आ रही है, तो 641 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर विल बी 641, दोनों को सब्ट्रैक्ट करें
आंसर इज जीरो, मतलब रिमाइंडर जीरो आ रहा है, इस वजह से लास्ट पे आप क्या लिखेंगे, हेंस स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर इज 321। और 321 आपको कैसे पता चला, क्योंकि ये जो क्वेश्चन में आ रहा होता है आंसर, वही आपके पास स्क्वायर रूट का आंसर होता है। अब बच्चों आपने जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो ये जो मैंने रेड से मार्क किया है ना 3 2, मतलब ये जो आप नंबर ऐड कर रहे हैं ये लिखने की जरूरत नहीं होती, अदरवाइज आप पेंसिल से लिख भी सकते हैं, ठीक है। फिफ्थ एंड एट्थ पार्ट आर सॉल्व हेयर। बच्चों आपने इस सॉल्यूशन को ध्यान से देखना है, ये दोनों सॉल्व हुए हुए हैं, सेम उसी मेथड को फॉलो करना है। अब वन बाय वन हम सॉल्व नहीं करते, यहीं से देख लेते हैं। देखिए 4 9 7 2 9 की सबसे पहले आपने पेयरिंग करनी होगी, तो देखिए पेयरिंग के लिए हम क्या करेंगे, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट आपने पेयरिंग कर लेनी है। तो 4 बच रहा है ना, तो 2 2 4, क्योंकि 1 1 1 आता है वो बहुत स्मॉलेस्ट वैल्यू है, तो आप यहाँ पे 2 2 4 लेंगे, आंसर इज 4। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे 0 आएगा। अब आपने नेक्स्ट पेयर को नीचे लेके आना है ना, 97 को नीचे लेके आएंगे, अगेन देखें 2 में 2 ऐड करेंगे 4 आएगा, लेकिन 4 से नेक्स्ट जो डिजिट है वो आपने खुद सिलेक्ट करना होता है ना, तो 41 1 41 बहुत लेस वैल्यू है, 42 2 84, तो 97 के करीब वैल्यू आ रही है। तो अब आप क्या करेंगे, 42 2 84 लेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपके पास 13 आएगा। फिर आपने नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट पेयर को नीचे लेके आना है, तो 29 को भी नीचे लेके आएंगे, 13 29 नंबर बन गया। अब आपने इस डिविडेंड को सॉल्व करना है ना, तो यहां से देखें डिवाइजर क्या था, 42। इस डिवाइजर में लास्ट डिजिट को ऐड करें, मतलब 2 को ऐड करें, तो 42 में 2 ऐड करने से 44 बनेगा, 44 से नेक्स्ट डिजिट आपने खुद लेना होता है। तो यहाँ पे देखें आप 441 को 1 से पहले मल्टीप्लाई करें, 2 से भी करके देखें, लेकिन जब आप 3 से करेंगे, 443 को 3 से मल्टीप्लाई करने से 1329 कंप्लीट आपके पास ये सॉल्व हो जाएगा। दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, आंसर इज 0, रिमाइंडर 0 आ रहा है, इस वजह से आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 49729 इज इक्वल टू 223। और ये 223 आपने कहाँ से लिखे, आप ये जो क्वेश्चन आता है वो आपके पास आंसर होता है। नेक्स्ट देखें एट पार्ट में, एट पार्ट में भी जब आप पेयरिंग करेंगे, तो पेयरिंग में देखें यहाँ पे लास्ट पे 10 आ रहा है, इस 10 को सॉल्व करने के लिए अब आप देखें 1 1 1, 2 2 4, 3 3 9 एंड 4 4 16, 16 ग्रेटर हो जाएगा ना, इस वजह से आप 3 3 9 लेंगे। दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, आंसर इज 1। फिर आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, नेक्स्ट पेयर को भी नीचे लेके आना है और नेक्स्ट डिवाइजर भी सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट पेयर को नीचे लेके आएंगे तो 132 बनेगा, नेक्स्ट डिवाइजर के लिए इस 3 में 3 को ऐड करेंगे, आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। इस 6 से नेक्स्ट जो नंबर है वो आपने खुद अब डिसाइड करना है ना, तो पहले 61 1 करके देखें, 61 आएगा, 62 2 124, 63 3 जो भी वैल्यू आएगी वो आपके पास 132 से ग्रेटर होगी, इस वजह से आपने 62 2 124 लिया। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर आपके पास क्या आएगा, 8। फिर अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट पेयर को नीचे लेके आना है, नेक्स्ट पेयर आपके पास 97 है, इस पेयर को नीचे लेके आएंगे तो 897 बनेगा। नेक्स्ट पेयर को नेक्स्ट इस नंबर को सॉल्व करने के लिए आपने यहाँ न्यू डिवाइजर देखना होता है ना, तो इस 62 में 2 ऐड करने से 64 आएगा, 64 से नेक्स्ट नंबर आपने खुद सिलेक्ट करना है, तो 641 1 641 करेंगे, क्योंकि 642 2 करने से जो नंबर आ रहा है वो 897 से ग्रेटर होगा, ठीक है। आपने रफ वर्क में चेक करना होगा बकायदा सॉल्व करके, फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर क्या आएगा, 256। फिर आपने नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट पेयर को नीचे लेके आना है, ठीक है। तो ये जो भी नंबर आ रहा है इसको सॉल्व करने के लिए आपने नेक्स्ट डिवाइजर सिलेक्ट करना होगा, तो नेक्स्ट डिवाइजर 641 में आपने क्या ऐड करना है, लास्ट डिजिट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, जब 1 ऐड करेंगे तो यहाँ पे जो मिस्टेक है 2 आना चाहिए, ठीक है ना। 641 में लास्ट डिजिट मतलब 1 आप ऐड करेंगे तो 642 बनेगा, फिर 642 से नेक्स्ट नंबर आपने खुद डिसाइड करना है, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 6424 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25696 आंसर आ रहा है। तो जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, मतलब रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो जो क्वेश्चन आपके पास आता है वही स्क्वायर रूट का आंसर होता है। तो मतलब 3214 इज अ स्क्वायर रूट ऑफ 10329796। हेयर इज टूडेज डायरी। बच्चों आपने एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 2 के इन पार्ट्स को होमवर्क में सॉल्व करना है। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप्स में डिस्कस कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।